समाचार अध्याय 13 वाक्य 15 अध्याय 15 वाक्य 13 यौहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। वास्तव में प्रभु यीशु ने यही किया। तो हमारे सामने एक गहरा प्रेम रखा गया है, एक ऐसा प्रेम जिसको भूला नहीं जा सकता है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, रिश्तों में गहराई की कमी, पति पत्नी के रिश्ते में गहराई की कमी। पिछले सप्ताह में आश्रम में एक दंपति आया था, पति पत्नी, शादी होके मात्र 3 महीने हुए, पति पत्नी के पीछे दौड़ रहा है, तलाक की बात चल रही है, पति इंजीनियर है, टीचिंग कर रहा है, घर पे कोई कमी नहीं है, अच्छी नौकरी है, लेकिन पत्नी बार बार बोलती है, तुम कुछ भी करो, तुम मुझे मातृधाम आश्रम ले चलो, डिवाइन सेंटर ले चलो, मैंने तय कर लिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जीना है। जवान लड़का पागल जैसा घूम रहा है। उसके माँ बाप ने कहा, तू काहे उसके पीछे पड़ा है, तेरे पास एक नौकरी है, तुझे एक दूसरा लड़की मिल जाएगी। वो मुझसे रो रो कर बोल रहा है, स्वामी जी लोगों के सामने हमने शादी कर ली है, मैंने उसके हाथ को पकड़ा, और ये भी मेरे माँ बाप ये रिश्ता नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम दोनों ने शादी कर ली, 3 महीने नहीं हुए, वो कहती है मुझे तलाक चाहिए। वो घूम रही है, डेंटिंग पेंटिंग करके घूम रही है, अच्छा कपड़ा पहन के, कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है कि मैंने इसके हाथ को पकड़ा था, स्वेच्छा से पकड़ा था। इसी तरह उल्टा भी होता है, पति पत्नी के रिश्तों में कोई गहराई नहीं है। जैसे कपड़े बदलते हैं, उसी तरह पति को बदलने को तैयार होते हैं। रिश्तों में गहराई की कमी है, माँ बाप और बच्चों के बीच में रिश्तों में गहराई नहीं है। कितने प्यार के साथ माँ ने उस बच्चे को पाला। जब भी कोई जवान माँ अपने बच्चे को नहलाती धुलाती, प्यार करती खिलाती है, तो मेरे दिल में बहुत पीड़ा होती है। कितने दर्द के साथ, कितनी तपस्या करके उस बच्चे को का पालन पोषण किया, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, उसको कोई गहरा प्रेम नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई हुई, पैसा मिला, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उसके बाद माँ बाप पुराने लगते हैं, माँ बाप के प्रति लज्जा उत्पन्न होती है, लोगों के सामने ये प्रकट करने को लज्जा होती है कि ये मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप उनके लिए डिस्टर्बेंस बन जाता है, इसीलिए उससे दूर किसी शहर में रहने को या यहां तक कि विदेश में रहने को तैयार हो जाता है। कितना उथला रिश्ता है, कोई गहराई नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3, उसको मैं पढ़ूंगा इस समय, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 1-2 से, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, सुनते जाइएगा, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, जो अपने पिता का पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है,
जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। वाक्य 11, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 और 3, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 अध्याय 6 वाक्य 2 और 3, वहाँ पे संत पौलुस क्या कहते हैं, एफेसी 6:2-3, संत पौलुस क्या कहते हैं कि बच्चों अपने माँ बाप का आदर करो, ये तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि लिखा है कि यही एक आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। 10 आज्ञाओं में से यही एक आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, और वो प्रतिज्ञा क्या है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम दीर्घायु हो और लंबे समय तक जिंदे रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं कि लोगों का आज के ज़माने में समर्पण की कमी है, काम में समर्पण कमिटमेंट की कमी है। नौकरी पर लोग लगाते हैं जवान लड़के लड़कियों को तो बड़े संकोच के साथ लगाते हैं, पता नहीं किस समय नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए चला जाएगा। कमिटमेंट की कमी है, समर्पण की कमी है। अभी हाल में एक दंपति मेरे पास आए, बेचारे बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल अप टू क्लास 12, और कई साल पहले इसी डिवाइन सेंटर से उनको एक पुत्र मिला था, एक हिंदू लड़का जो अपने घर से भाग गया था, यहाँ पर उनको मिला। उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया अपने पुत्र की तरह और उसका पालन किया, बड़ा हो गया, बहुत कुछ सिखाया, अपने स्कूल में मुख्य स्थान दिया, शादी करा दी, 2 बच्चे हो गए। 1 महीना पहले उसने उनके कहा कि अंकल मुझे नौकरी मिल गई कनाडा में, मैं जा रहा हूँ, जुलाई में मैं चला जाऊँगा। दंपति ने कहा कि बेटा तुम तो हमारे बेटे की तरह हो, बस तुम्हारा रिश्ता इतना ही है, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई, ज्यादा पैसा मिल रहा है, तुम चले गए। तो आज हम देखते हैं कि रिश्तों में कितना उथलापन है, कितनी शिथिलता है। इतना ही नहीं, नए नए रिश्ते जोड़ते हैं, बिना मतलब के रिश्ते। सबसे पहले आजकल के विशेष करके युवक युवतियों के बीच के रिश्तों में मैं कई बातें देखता हूँ। 1, वो रिश्ते स्वार्थ और वासना से युक्त रिश्ता, उसका आधार सिर्फ वासना और स्वार्थ है। उस लड़की का इस्तेमाल करने के लिए, उस लड़के का इस्तेमाल करने के लिए रिश्ता जोड़ा जा रहा है। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्रेम नाम की चीज नहीं है, लेकिन काम लेने के लिए। लड़की को चाहिए पैसा, इसीलिए उस लड़के के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है। लड़के को चाहिए वासना की तृप्ति, इसके लिए उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है। एक प्रकार का रिश्ता। दूसरे प्रकार का रिश्ता मैं देखता हूं कि टाइम पास रिश्ता, टाइम पास करने के लिए, कोई मतलब नहीं है, एमलेस रिलेशनशिप, दिशा विहीन रिलेशनशिप, कोई एम नहीं है। ये नहीं सोचता है कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगा,
मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगी, कोई एम नहीं है, बस टाइम पास, स्वार्थ की तृप्ति के लिए रिश्ता। तीसरे प्रकार का रिश्ता मैं देखता हूं, वे आत्मघाती रिश्ता है। लड़के लड़कियां आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं बराबर वे लड़ते रहते हैं। तो मेरा सवाल यह है, प्रेम कहां है यहां? बराबर लड़ते रहते हैं मोबाइल के द्वारा, बराबर लड़ते रहते हैं। एक बार एक एयरपोर्ट में खड़ा था, एक लड़की बगल में खड़ी होकर बात कर रही थी, मुझे लगा कि वो मुझे तमाचा मारेगी, मैं बहुत दूर चला गया। इतने गुस्से में थी वो, मोबाइल में इतने गुस्से में, मैं डर गया, मैं भाग गया वहां से। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मघाती है, सेल्फ डिफीटिंग, एक दूसरे के लिए आत्मघाती, सिर्फ झगड़ते रहते हैं, और इसको रिश्ता कहा जाता है। वहां प्यार क्या है, वहां कमिटमेंट क्या है? कुछ नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हमारे जीवन में रिश्तों में गहराई की कमी क्यों है? हमारी रिश्तों में गहराई की कमी क्यों है? सबसे पहला कारण मैटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी भौतिकवादी विचार। मैटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिकवादी विचार में लोग सिर्फ लेने को सोचते हैं, देने को नहीं सोचते हैं। सिर्फ लेने को सोचते हैं, देने को नहीं सोचते हैं। सिर्फ लाभ प्रॉफिट की बात होती है। दुनिया में आज सुनिएगा लोगों का कॉन्वर्सेशन, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। जहां प्रॉफिट नहीं होता है वहां रिश्ता नहीं है, टूट जाता है। पति से प्रॉफिट मिलता है तब तक रिश्ता मजबूत है, प्रॉफिट नहीं होता है टूट गया। पत्नी के साथ उससे कुछ मिलता है तब तक रिश्ता जुड़ा हुआ है, जब नहीं मिलता है टूट गया। माँ बाप से पैसा मिलता है, जमीन मिलती है तब तक ठीक है, वरना रिश्ता टूट गया, क्योंकि यह भौतिकवादी दृष्टिकोण है। प्रॉफिट एंड लॉस, हम अपने दिमाग में हमेशा प्रॉफिट की सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी। यह एक खतरनाक फिलॉसफी है। आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु ने पेत्रुस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखा। अब देखिए प्रभु की बात है, प्रभु यीशु के शिष्यों ने शिष्य प्रभु को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने शिष्यों को नहीं छोड़ा। देखिए, ख्याल करना है, हमारे प्रेम और प्रभु यीशु के प्रेम में कितना फर्क है। यीशु के शिष्य यीशु जब पकड़े गए थे छोड़कर भाग गए, जो शिष्य यीशु के साथ 3 साल तक रहे, खाए पिए, उनके वचनों को सुना, उनके कार्यों को देखा, वे शिष्य जब यीशु पकड़े गए थे यीशु को छोड़कर भागे। लेकिन यीशु ने यह नहीं सोचा कि ये किसी काम के नहीं है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, बल्कि ठीक इसके विपरीत यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं। पुनरुत्थान के बाद उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं, और वे जहां थे वहां पहुंच जाते हैं। वे बंद कमरे में थे, प्रभु यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। वे समुद्र के तट पर थे, मछली पकड़ने चले गए थे, प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं। देखिए यीशु का प्रेम कितना महान है, कितना महान है। अब सुबह का समय था, उनको नाश्ता खिलाते हैं प्रभु यीशु। नाश्ता खिलाने के बाद यीशु ने पेत्रुस के सामने एक सवाल रखा। क्या सवाल था, क्या सवाल था, क्या सवाल था, सॉरी पढ़िए इसको, क्या सवाल था? हाँ, नहीं, क्या सवाल था? और एक बार बाइबल पढ़ने के बाद बोलना,
प्रभु ने पूछा, क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? हालेलुया, हालेलुया, दैट मैटर्स। सवाल ये नहीं था क्या तुम मुझे प्यार करते हो और उसके भी तुम प्यार करते हो मैं जानता हूं, बल्कि सवाल ये था क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? Do you love me more than these? उसके बाद रिपीटिशन है शॉर्ट, लेकिन पहला सवाल यह था क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? और जब पेत्रुस ने कहा कि प्रभु मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तो प्रभु का क्या जवाब था? क्या जवाब था? मेरी भेड़ों को चराओ। हालेलुया, बहुत गहरी बात है। जब पेत्रुस ने कहा कि प्रभु मैं इन सबसे ज्यादा आपको प्यार करता हूं, मैं अपने मां बाप से ज्यादा आपको प्यार करता हूं, मैं अपने भाई बहनों से ज्यादा आपको प्यार करता हूं, मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि उसकी शादी भी हुई थी, मैं अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अपने धंधे से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अपने सौंदर्य से ज्यादा आपको प्यार करता हूं, मैं अपने धन संपत्ति से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, तब प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चराओ। अगर हमारे दिल में दूसरों के प्रति इतना उथला प्रेम है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम सबसे ज्यादा यीशु को प्यार नहीं करते। अगर आप सबसे ज्यादा यीशु को प्यार करते तो आपका दूसरों के प्रति प्रेम उथला नहीं होगा बल्कि गहरा होगा। वास्तव में पेत्रुस से प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ों को चराओ, यानी मेरी भेड़ों का अगुआ बनो, लेकिन मैं तो अप्लाई करूंगा हर एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। मैं लोगों से ये कहता हूं, जब तक आप सारे हृदय से प्यार नहीं कर पाओगी तो आप एक अच्छी, प्रभु को प्यार नहीं कर पाओगी तो आप एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। कई साल पहले नागपुर में कन्वेंशन चल रहा था, 23 साल की एक लड़की 3 साल की बच्ची के साथ मुझसे मिलने आई। उसने कहा फादर जी मेरी मदद कीजिए, मैं तो फंस गई हूं। मैंने पूछा कहानी क्या है बताओ। वह नागपुर की रहने वाली है, बचपन से ही पड़ोस के एक लड़के से उसको प्यार था, वो ईसाई लड़का था, पवित्र प्यार था। जैसे जैसे वे बड़े हो गए, उन्होंने तय किया कि हम लोग शादी करके एक साथ जिएंगे, दोनों तय करते हैं। इस बीच लड़की को इलाहाबाद में नौकरी मिल जाती है और लड़की इलाहाबाद चली आती है, और इलाहाबाद आने के बाद उसकी दोस्ती एक दूसरे लड़के से हो जाती है जो हिंदू है, और उन्होंने तय किया कि हम लोग शादी करेंगे। कचहरी में उन्होंने शादी कर ली, शादी के बाद एक बच्ची भी हो गई। लेकिन इस बीच नागपुर का लड़का बराबर उसको फोन करता था, अब भी मैं तुमको स्वीकार करने को तैयार हूं, वापस आ जाओ। नौकरी छोड़कर और इस पति को भी छोड़कर अपनी बेटी की तरह वो नागपुर वापस आ जाती है। तब वो लड़का बोलता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तेरी एक बच्ची भी है, आई कैन नॉट मैरी यू। अब वो बेचारी क्या करती, जिसके साथ कचहरी में शादी हुई थी उसी को तलाक भी दी, और ये लड़का भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उस लड़की के परिवार की परिस्थिति ऐसी है, उसके मां बाप अलग रहते थे, बचपन से इस बेटी को प्यार क्या है ये नहीं मालूम है। देखने में बहुत सुंदर थी, जहां भी वो जाती थी उसको दूसरों से प्यार हो जाता था, और ये घटना हुई। उसने मुझसे पूछा कि स्वामी जी मैं क्या करूं। मैंने कहा कि बेटा तुम डिवाइन सेंटर या कोई ऐसा सेंटर चले जाओ जहां पे तुम साधना में भाग ले सको, तुम पवित्र वचन को सुन सको, और उसके द्वारा तुम्हें ईश्वर के प्रेम का एहसास हो सके। तुम पवित्र वचनों को सुनो जिससे तुम्हें ईश्वर के प्रेम का एहसास हो सके। मैंने कहा कि जब तक तुम ईश्वर के प्रेम से नहीं भर जाओगी तब तक तुम इसी तरह भटकती रहोगी, समारी स्त्री की तरह।
एक के बाद एक पति को बदलती रहोगी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक आप ईश्वर के प्रेम से भर नहीं जाते तब तक आप एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकते और आप एक अच्छा पति नहीं बन सकते। जब तक हम सारे हृदय से प्रभु को प्यार नहीं करते तब तक हम एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकते। कई साल पहले युवाओं के लिए काम करता था और मुझे लगता था उस समय कि लोगों को मैरिज प्रिपरेशन के लिए तैयारी करेंगे, मैरिज के लिए, शादी के लिए तैयार करेंगे। शरीर बढ़ गया, उम्र बढ़ गई, लोग सोचते हैं शादी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, विवाह के लिए युवक युवतियां तैयार नहीं किए जाते हैं। विवाह के रहस्य के बारे में, नारी के विषय में, नर के बारे में, प्रेम के बारे में गहराई से शिक्षा नहीं दी जाती है, ईश्वर के प्रेम से भर नहीं जाते हैं। शादी हुई, एक दो सप्ताह के अंदर तलाक की बात चलने लगती है। जो लड़का प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता है वो अपनी पत्नी को गहराई से प्यार नहीं कर पाएगा। जो लड़की अपने यीशु को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती है वो अपने पति को प्यार नहीं कर पाएगी, उसके प्रति ईमानदार नहीं हो पाएगी। आप पढ़ेंगे एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में वाक्य 21 से लेकर आप पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि आप यीशु मसीह पर श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। वैवाहिक प्रेम तभी सफल होगा जब हम यीशु मसीह को प्यार करेंगे। जब हम गहराई से यीशु को प्यार करेंगे तो हम दूसरों को भी उसी प्यार में दूसरों को से प्यार करेंगे। यौहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34, यौहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं तुम एक दूसरे को उस तरह प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया। प्रभु यीशु ने हमसे क्या कैसे प्यार किया? प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। प्रेम का तात्पर्य देना है, लेना नहीं है। प्रेम का तात्पर्य देना है, लेना नहीं है। प्रेम ऐसी चीज है संसार में जो मात्र देने से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। पति से बोलेंगे दे दो प्यार, नहीं देगा। मैं जब नए दंपति आते हैं आश्रम में, आशीष के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं उनको बताता हूं, बेटे तुमको मालूम है रहस्य, मैं तुमको बताता हूं, प्रेम ऐसी चीज है जो देने से मिलती है, मांगने से नहीं मिलता है।